In today's life skill class, the topic is develop your favorite hobby. So first of all, I would like to clear the term, what is hobby? So children, हॉबीज वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं, अपने प्लेजर के लिए करते हैं. एंड हॉबीज़ एक गुड टाइम पास है फ्रॉम विच यू नेवर गेट बोर. जो आप जब आप कभी किसी चीज़ से बोर नहीं हो सकते हैं. एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हॉबीज आर पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा. सो नाउ दीज आर द हॉबीज एंड इंटरेस्ट. आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल. मैम आज आपको डिटेल में बताने वाली हैं. रीडिंग बुक्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हॉबीज. येस, रीडिंग बुक्स सबसे ग्रेट हॉबी मानी जाती है. एंड चिल्ड्रन, जस्ट अडॉप्टिंग अ हॉबी इज नॉट सफिशियंट. यू नो कि आई नो सबकी कोई ना कोई हॉबी होगी, बट हॉबी को अडॉप्ट करना ही सफिशियंट नहीं होता. आपको उसको परस्यू करना होता है. एंड राइट नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एट योर होम. अभी आपके पास कितना फ्री टाइम है, आप एंगेज हो सकते हैं काफ़ी हॉबीज में. आपकी जो भी फेवरेट थिंग्स है, फेवरेट एक्टिविटीज है, आप उसको डेवलप कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज दिस प्रीशियस टाइम एट योर होम. आप अपने घर पर अपने प्रीशियस टाइम को यूज कर सकते हैं. दैट्स वाई आई हैव ऑर्गेनाइज दिस पीरियड फॉर यू, सो दैट यू कैन use your time in developing your favorite hobby. So children, choose a hobby that interests you the most. आपको वो hobby choose करनी होती है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा interest होता है. Yes, some people enjoy sports as a hobby. बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको sports अच्छा लगता है. I think boys like to play sports. Boys को बहुत अच्छा लगता है sports play करना. And so boys, you can choose स्पोर्ट्स. एंड सो हेयर आर द लिस्ट. नाउ यू कैन चूज, आप अपने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अदर देन कुछ भी और भी अपनी हॉबीज है जो आपको अच्छी लगती हैं. आई थिंक गर्ल्स लाइक टू डांस. गर्ल्स को डांस करना बहुत अच्छा लगता है. सो पेंटिंग, ड्राॅइंग. सो यू कैन परस्यू दैट हॉबीज इन रेगुलर बेसिस. आप रेगुलर बेसिस पे जो अपने हॉबीज को परस्यू करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो हेयर आर द लिस्ट, यू कैन चूज. Okay, so now next move to for next thing is why you need to have a hobby or make time for a hobby. The question is कि आपको क्यों ज़रूरत है hobbies, hobby की, and आपको क्यों hobby के लिए time निकालना ज़रूरी है. So children, here are the suggestions for your well-being. आपके well-being के लिए. If you develop hobby, so ये आपके well-being के लिए होगा. It means you develop confidence and self-esteem. आपके अंदर automatically confidence आएगा. You can choose cooking and baking, drawing and painting. Okay, learning a new language. So these all are the kinds of hobbies. Now second one is improving memory. तो आपके well-being के लिए ये suggestion मैम आपको देना चाहती है कि अगर आपको memories को improve करना है, so children you can choose reading, crossword and word puzzles. जो puzzles आते हैं आप लोग magazines में, newspapers में देखते होंगे, तो try to solve that. It is very important for you and it may improve your memory. Okay, so next is what are the benefits of having hobby. अभी मैम ने आपको बताया कि suggestions क्या होते हैं आपके well-being के लिए. अब आप मैम आपको बताने वाले हैं कि hobbies develop करने से आपके लिए benefits क्या होने वाले हैं. So children, having a hobby is not just a fun. Hobby होना एक fun के लिए नहीं होता कि बस आपने time pass किया, हो गया, enough. No children, it also helpful for your mental health. आपके mental health के लिए बहुत important होती है. It is important for people to enjoy good health and happy. लिविंग ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे अपने लोग अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाए, अपनी लाइफ को हैप्पीली लिव कर पाए. इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ हॉबी, देन गो थ्रू विद दिस. फर्स्ट वन इज हॉबीज एक्ट एज ब्रिलियंट स्ट्रेस बस्टर. अब जितना ज्यादा हॉबीज में इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, सो जितना भी स्ट्रेस होता है वो आपका उसको रिमूव करेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज हॉबीज हेल्प यू एक्सप्लोर योर पैशंस. जो भी आपके पैशंस हैं तो वो आपको और ज्यादा मदद करके आप अपने पैशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे. नेक्स्ट इज हॉबीज गिव यू न्यू परस्पेक्टिव्स. जो भी परस्पेक्टिव्स होते हैं आपका, आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, आपका सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो सकता है, आपका टैलेंट इंप्रूव हो सकता है. सो आपको न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं हॉबी से. सो चिल्ड्रन, मैम इज अगेन टेलिंग यू, प्लीज दिस इज अ लाइफ स्किल क्लास टुडे एंड द टॉपिक इज डेवलप योर फेवरेट हॉबी. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जस्ट डेवलप, आप उसको डेवलप करेंगे और उसको अपने घर पे परस्यू करेंगे.
ओके सो सी यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर हॉबीज. आपको अपने हॉबीज को जरूर इंपॉर्टेंस देना है. योर हॉबीज कैन की ऑफ योर सक्सेस. आपकी जो हॉबीज हैं वो आपको सक्सेस तक लेके जाएंगी. सो चिल्ड्रन इट्स टाइम टू नॉट टू बी लेजी एट ऑल. आपको लेजी नहीं होना है एंड ओके डोंट गेट सो बोर्ड एंड ट्राई टू इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज विच यू लाइक द मोस्ट. I hope you have understood this class and you will follow it. आप उसको follow करेंगे and try to get involved in more and more daily activities. इसी तरीके से आपको events में भी इतना आपको school में organize किया जाता है. So these are also a kind of hobbies. अभी आपको take interest in your hobbies. Bye everyone.